हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेस में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज का ये सेशन Q&A सेशन होने वाला है। आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं वैकेंसी के रिगार्डिंग, आपके बहुत सारे डाउट हैं जिनको मैं क्लियर करने वाला हूं। लेकिन आप लोग सेशन को लाइक नहीं करते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि राजस्थान या इंडिया का कोई भी वैकेंसी से रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। पिछली 3 साल से आपके हित के लिए काम कर रहे हैं, तो एक छोटा सा लाइक करना होता है आपको सेशन को, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज यार, आप लोग सभी जो है जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि उसे रीच रुक जाती है। तो आप लोग लाइक करना है और वीडियो पूरी देखा करो। आप लोग कमेंट कर देते हैं वीडियो पूरी नहीं देखते हैं, तो वीडियो को पूरी देखो, सब कुछ आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो भी अपडेट हमारे द्वारा दी जाती है ऑथेंटिक है, प्रमाणित अपडेट है, ये विश्वास करिए, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग का है यहां पर रोहित का। रोहित जी कह रहे हैं सर राजस्थान कांस्टेबल की भी बता दो। तो हमने बहुत सारी वीडियो बनाई, अलग अलग वैकेंसी आ रही है, इसकी अपडेट आ रही है, बाकी कल भी हमने एक वीडियो बनाया था। तो यहां पर अगर हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो एक कोई भर्ती है जो आने की पूरी पूरी संभावना है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह भर्ती आएगी कंफर्म, वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है। क्योंकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 के बजट की भर्ती है, उसमें 4800 पद पहले से ही सैंक्शन है कि 4800 पद पर ही भर्ती रहेगी, ठीक है ना। तो 2022 के 4800 पद है, और अभी जो है ऐसी खबर आ रही है कि जो आपके पुलिस मुख्यालय है वहां पर काफी सारे पद खाली है। उन्होंने जो है सरकार से अभ्यर्थना भेजी है कि भाई आप जो है पद बढ़ाकर जो है भर्ती निकालिए। तकरीबन 10,000 पदों पर आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और आरएसी की भर्ती आने वाली है, जिस पर मैंने वीडियो भी डिटेल में बना दिया है। और भी आपके राजस्थान पुलिस मुख्यालय या राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत सारी भर्तियां आने वाली है, जिसमें आपके जो है एसआई की भर्ती है, राजस्थान एसआई बहुत बड़ी भर्ती है, ये भी आने वाली है। इसके अलावा जो है आपके पहली बार 1000 पदों पर महिला एएसआई की भर्ती आने वाली है, और भी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, देखो इसमें दो भर्ती हैं, एक तो आपके कांस्टेबल है, एक आपके जो है आरएसी कांस्टेबल है, ठीक है ना। जो आरएसी कांस्टेबल है इसके लिए आपको 10वीं पास योग्यता रखनी होती है, और जो यहां पर आपने सीईटी दिया है, जिन्होंने 12th पास विद्यार्थियों ने सीईटी दिया है, उसके तहत यहां पर कांस्टेबल के लिए भर्ती होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर मक्खन लाल जी का है। मक्खन लाल जी यहां पर कह रहे हैं सर साइंस की बेस्ट बुक कौन सी है। तो भैया साइंस की राजस्थान के पर्पज के हिसाब से मैं आपको बताऊं, राजस्थान की जो एग्जाम होती है जैसे एलडीसी एग्जाम होने वाली है, इससे पहले आपके जो है सीईटी एग्जाम हुई है, तो सीईटी में जो क्वेश्चन आए तकरीबन 20-25 क्वेश्चन आए प्रत्येक शिफ्ट के अंदर, तो काफी अच्छे लेवल के सवाल पूछे गए। उसके लिए आपको गाइड से पार नहीं पड़ेगी, या कोई टीचर पढ़ा रहा है वहां से भी छूट रहा है, मतलब नोट से भी सवाल नहीं बन रहे हैं, डीपली सवाल बन रहे हैं। तो आपको जो है एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, 10वीं क्लास की और 9वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है इसको अच्छे से आपको चाटना होगा। यहां तक कि 11th-12th भी आ रहे हैं, लेकिन 10वीं तक भी आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो काफी हद तक आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके जो बेसिक्स है वो स्ट्रांग हो जाएंगे। बाकी अगर आप में से कोई जो है एसएससी की तैयारी कर रहा है या रेलवे की तैयारी कर रहा है, तो जो प्रीवियस ईयर्स की जो बुक आती है वहां से भी सवाल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है वीरेंद्र का। वीरेंद्र जी यहां पर कह रहे हैं सर जी पटवारी की वैकेंसी 2023 में आएगी क्या। पटवारी को लेकर मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था कि पटवारी की कुछ वैकेंसी खाली हैं, क्योंकि जो है आपके पटवारी के बाद में गिरदावर बनते हैं, उसके बाद में नायब तहसीलदार बनते हैं, तहसीलदार बनते हैं, तो यहां पर नायब तहसीलदार की गिरदावर की जो पोस्ट है वो खाली है, क्योंकि पटवारी के बाद में प्रमोशन हो जाता है, उसके बाद में फिर गिरदावर से आप जो है नायब तहसीलदार बन जाते हैं, तो जो पोस्ट है वो खाली रह जाती है। तो यहां पर तकरीबन 1000 पद जो है पटवारी के खाली है, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों ने वो देख लिया है। तो ऐसे खबरें आ रही है कि पटवारी की जगह आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, क्योंकि पोस्ट खाली है, जरूरत है, मतलब कि 3-4 पोस्ट पे मतलब एक पटवारी काम कर रहा है, तो रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए वैकेंसी भी आएगी। और आपको पता ही है कि सीटी ग्रेजुएशन लेवल में जल संसाधन विभाग के अंदर पटवारी की वैकेंसी दे रखी है, तो वो तो डेफिनेटली आएगी। तो जिन्होंने भी ग्रेजुएशन कर रखी है, सीटी दे रखा है, वो प्रिपरेशन में जुट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है रवि शर्मा का। रवि शर्मा जी यहां पर कह रहे सर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी पर एक वीडियो बनाओ। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो 21,000 से अधिक पदों पर शिक्षा विभाग में भर्ती आने वाली है। उस शिक्षा विभाग की भर्ती में लैब असिस्टेंट के पद भी शामिल हैं, लेकिन ओनली 250। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार इतनी मेहनत करेगी और पूरे आपके नोटिफिकेशन जारी होगा, फॉर्म भरवाए जाएंगे, 250 पद पर भर्ती कभी भी नहीं आती है, इतने कम पद पर नहीं आएगी, क्योंकि सरकार अलग से भर्ती निकालती है, अलग से इसका बोर्ड बनता है, अलग से इसकी तैयारी होती है, ठीक है ना, सब कुछ पूरा अलग से होता है। लैब असिस्टेंट की प्रॉपर भर्ती होती है, जिसमें आपके बायोलॉजी वाले स्टूडेंट शामिल होते हैं, मैथ्स वाले शामिल होते हैं, और ज्योग्राफी होम साइंस वाले भी शामिल होते हैं। तो यहां पर और भी कुछ पद ऐड होंगे, उसके बाद में भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आउट होगा, लेकिन अभी जो है तैयारी हो रही है, बिल्कुल लैब असिस्टेंट की भर्ती जल्द से जल्द यहां पर जारी
होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सचिन गुर्जर जी का है। सचिन जी यहाँ पर कह रहे हैं, सर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है जिसकी मेंस एग्जाम है वो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड करवाएगा या पुलिस मुख्यालय के द्वारा करवाई जाएगी? तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बार सीटी के अंतर्गत जो है आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर सीटी में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम लिया है, तो इसका जो मेन्स एग्जाम है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा। जी हाँ, इसकी जो मेन्स एग्जाम है वो भी कर्मचारी चयन बोर्ड लेगा, तो आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सर जो एसआई की भर्ती वो कब तक आएगी? तो भैया एसआई की जो भर्ती है, आरपीएस ने सवाल पूछा है, तो भैया एसआई की जो भर्ती उसको लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। मैंने वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि पुलिस विभाग के अंदर कौन-कौन सी भर्ती आने वाली है। उसमें मैंने आपको बताया था कि 600 पद पर जो है राजस्थान एसआई की नई भर्ती आ सकती है, जिसको लेकर यहां पर जो है लगातार अपडेट सामने आ रही है। तो नई भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारियों में जुट जाइए। पुलिस विभाग के अंदर तकरीबन 13,500 पदों पर भर्ती आने वाली है अलग अलग विभाग के अंदर। नेक्स्ट यहां पर जो है सीमा शर्मा का सवाल है, ये कह रही है सर आरएएस के लिए फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन में, तो आप लोग बिल्कुल फॉर्म लगाइए, और कोई भी लगा सकता है, मतलब फाइनल ईयर का कोई भी विद्यार्थी फॉर्म लगा सकता है, और ना केवल आरएएस में बल्कि बाकी जितनी भी वैकेंसी निकलती है जो ग्रेजुएशन लेवल की होती है, तो उसमें फाइनल ईयर वाला अप्लाई कर सकता है अपीयरिंग के द्वारा। लेकिन आपकी डिग्री या आपका जो रिजल्ट है, जो आपकी मेन एग्जाम फाइनल की जो एग्जाम है, उसका जो रिजल्ट है एग्जाम से पहले आ जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है आपका सपना का। सपना सैनी जी कह रही हैं, सर सीईटी नहीं दिया है, एलडीसी दे सकते हैं क्या? जब आपने सीईटी नहीं दिया तो एलडीसी भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एलडीसी भर्ती है वो इसी के अंदर सम्मिलित है, सीईटी के अंदर। तो सीईटी अनिवार्य था, इसलिए बार बार हमने वीडियो बनाकर आपको बताया कि सीईटी देना है। अब जिन्होंने सीईटी नहीं दिए वो पछता रहे हैं, तो भाई सीईटी देना चाहिए था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गोपाल सिंह का। गोपाल सिंह यहाँ पर कह रहे हैं सीईटी के आंसर की कब तक आएगी? ग्रेजुएशन लेवल की तो पहले ही आ चुकी है, सीटी 10+2 के एग्जाम हो चुके हैं, अब इसकी जो आंसर की है जल्द आपको नजर आएगी, और तकरीबन जो है 5 से 7 दिन के अंदर जो है इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी बोर्ड के द्वारा। तो ये कुछ आपके सवाल थे जिनका मैंने रिप्लाई कर दिया है, लगभग वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी सवाल आ रहे हैं। देखो हमारे द्वारा जो अपडेट दी जा रही है उसको फॉलो करिए आप, जो रोजाना वीडियो जा रही है, जैसे आज मैंने आरएस की वीडियो बनाई थी वो ऑथेंटिक अपडेट है कि भाई आपके आचार संहिता लगने से पहले अगर वैकेंसी आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो भर्ती होगी, नहीं तो फिर आप इंतजार करना पड़ेगा, वो साफ बिल्कुल अपडेट है, क्योंकि ये बात आप भी समझते हैं। तो जो भी अपडेट हमारे द्वारा दी जा रही है उसको आप लोग समझिए, कॉमेंट करिए उस पर, और कोई भी डाउट है तो कॉमेंट आप लोग कर सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।